ये देखें कितनी गाढ़ी सी हो गई है। आज मैं बड़ी मजेदार सी और एक्साइटेड किस्म की रेसिपीज लेकर आई हूँ आपके लिए। एक तो मैं बनाने जा रही हूँ बीफ का कीमा मटर आलू के साथ, बहुत जबरदस्त भुना बसा बनेगा ये। और एक और मैं आपको रेसिपी आज सिखाऊंगी, वो मैं सिखाऊंगी मैस के पूर्ण चीज, जो कि हमें पता है कि मार्केट में बहुत महंगी मिलती है। और मैस के पूर्ण चीज से आप तिरामिसू बना सकते हैं, बहुत मजे मजे के डिजर्ट्स बनते हैं, और क्रीम चीज केक, बर्न क्रीम चीज केक बहुत ही आला बनता है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो मैस्कारपोने चीज से आप बना सकते हैं, तो भाई मार्केट से जाकर इतनी महंगी लेने की क्या जरूरत है। आइए मैं आपको घर में बनाना सिखाती हूँ, बहुत मजेदार सी इजी सी रेसिपी है, कुछ भी नहीं करना, दो इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे और आपकी बनेगी जबरदस्ती महंगी वाली मैस्कारपोने चीज और टेस्ट आला होता है। आइए मेरे साथ सिखाऊंगा आपको। सबसे पहले मैं कीमा बनाना शुरू करूंगी, तो मैंने ऑयल डाल दिया है और इसमें मैं डालूंगी प्याज। जब तक प्याज जो है वो कीमे की फ्राई हो रही है, इस टाइम में जो है मैं आपको मैस्कारपोने चीज का भी बताना शुरू कर देती हूँ। उसका प्रोसेस थोड़ा सा वक्त लेता है क्योंकि हमें मुस्तकिल इसको कुक करना है। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 3 पैकेट आप क्रीम के ले लें, तो फ्रेश क्रीम आती है उसकी 3 पैकेट, यानी कि एक पैकेट 200 ml का होता है, तो आप 600 ml ले लीजिए। आपको ज़्यादा बनानी है तो आप क्वान्टिटी बढ़ा लीजिए। मुस्तकिल स्टेयर करते रहना है, तब तक इसके अंदर थोड़ा सा बॉइलिंग बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। मैं तब तक इसको थोड़ा सा जितने नॉर्मल फ्लेम पे इसको कुक करूँगी, और आपने विस्क हटाना नहीं है, मुस्तकिल इसमें विस्क चलाना है। कभी कभार जब आप किचन में काम करते हैं ना, तो आपको अपने दोनों हाथ इस्तेमाल करने पड़ते हैं। किस तरह, एक जगह पर मेरी क्रीम चढ़ी हुई है, आपको पता है मैस्कारपोने चीज मैं बना रही हूँ, उसको मैं छोड़ नहीं सकती। यहाँ पर मेरे कीमा मटर आलू की प्याज भी चढ़ी हुई है, तो उसको भी मुझे थोड़ा सा कुक करना है। तो अभी देखें मैं दोनों हाथों से कुकिंग कर रही हूँ। देखिए ये जैसे ही इसमें से सिमर होगा थोड़ा सा और ये बबल्स उठना शुरू हो जाएंगे, इसमें मैं डालूंगी लेमन जूस 3 टेबल स्पून और ये 3, और इसको अब आपने मुस्तकिल विस्क करना है जब तक कि ये गाढ़ी नहीं होती। अब ये देखिए ये इतनी गाढ़ी हो गई है, अब मैं इसको कुक करना बंद कर दूंगी। ये मेरी गाढ़ी हो गई है, अब मैं इसको ठंडा करूंगी इसी में, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। प्याज जो है हल्की गोल्डन ब्राउन हुई है, तो मैं इसमें अब अदरक लहसुन डालूंगी। अब इसमें कीमा डाल दें। अब इसमें मैं कुछ मसाले डालूंगी, जिसमें है लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, जीरा पाउडर, पिसी गरम मसाला। अब इन सब चीजों को आप मिक्स कर लें। अब इसको मैं थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी, 3 से 4 मिनट के लिए। अब इसके अंदर मैं आलू, ये मैंने छोटे छोटे किए थे, ये डाल दूंगी। इसमें मैंने ये टमाटर चॉप कर दिए हैं, ये डाल दूंगी। मैस्कारपोने चीज जो है ये अब ठंडी हो चुकी है। अब इसके बाद हम क्या स्टेप करेंगे, ये एक मैंने बोल ले लिया है, उसमें रख दिया है मैंने छन्ना। इसमें आप फैला देंगे ये मलमल का कपड़ा, क्योंकि इसमें जरा बराबर भी पानी नहीं होना चाहिए, तो जो भी इसके कतरे होंगे पानी के वो हम इसमें छन जाएंगे। काफी देर तक इसको हम इस तरह रखेंगे, उसके बाद इसको फ्रिज में रखेंगे, कुछ ओवरनाइट रखें तो बहुत बेस्ट रिजल्ट आएगा। ओवरनाइट इसको फ्रिज में रखेंगे, तब जाकर हम इसको यूज कर पाएंगे किसी भी अपने डिजर्ट में। तब मैं क्या करने लगी हूँ, ये देखिए कितनी गाढ़ी सी हो गई है, ये मैंने सारी इसमें कपड़े में रख दी है। अब मैं इसके ऊपर ऐसी एक प्लेट रख दूंगी ताकि ये कवर रहे, कपड़े को मैं ऐसे कर दूंगी। मुझे कपड़े को कोई टाइट करने की जरूरत नहीं है, जो भी इसका एक्सेस पानी होगा वो इस छन्ने में छन जाएगा। इसको तकरीबन मैं 2 से 3 घंटा ऐसे ही बाहर रखूंगी, 2 से 3 घंटे के बाद मैं इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए मजेदार सा, उसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट आपके साथ शेयर करूंगी। तब मेरे पास फ्रीज हुए हुए कुछ मटर रखे हुए थे, अब मैं वो ऐड कर दूंगी। इसमें हरी मिर्चें डाल दें, हरा धनिया,
मेरा खाना जो है वो हो गया है तैयार। कीमा आलू चना इंतहाई मजेदार बना है, तो ये रेडी हो गया है। और मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, मैंने जो मैस्कारपोने चीज बनाई थी ये देखें, इसका पानी ये देखिए, ये देखिए आपको पानी नजर आ रहा है, पानी निकल रहा है। तो ये सबसे बेस्ट पॉइंट है कि आपकी मैस्कारपोने चीज जो है ना वो बिल्कुल सही बनी है। मुझे तकरीबन अराउंड 1.5-2 घंटे हो गए हैं इसको मैंने रख दिया है यहाँ पर। अब मैं इसको फ्रिज में रखूंगी और ओवरनाइट के लिए, और कल फिर मैं इसका आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें।